हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है राज्यसभा से संबंधित। तो इस क्लास में हम लोग राज्यसभा के बारे में सभी जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं उनके सभी जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, राज्यसभा के पक्ष में जो भी आपके तर्क हैं, जो भी सवाल रहते हैं, आपको पता नहीं होता है किस तरह से इनका चुनाव होता है, संविधान सभा में राज्यसभा का क्या तर्क है, इसके पक्ष में विपक्ष में, इसके जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, और इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, तो ये आखिर होती क्या है पद्धति, इसे भी देख लेंगे। राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता, इन्हें यानी कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपको क्या क्या जरूरी रहता है उसके बारे में बात करेंगे, और राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में बात करेंगे हम लोग। राज्यसभा में से संबंधित क्या मुद्दे हैं उन्हें भी देखेंगे, और इसके अन्य पक्षों को भी जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में जितने भी सवाल होंगे सब निकल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और याद रखिए, राज्यसभा की स्थापना आपकी 3 अप्रैल 1952 में हुई थी। कब? 3 अप्रैल 1952 में। यह सर्वविदित है कि लोकतांत्रिक सरकारें शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित हैं, लिहाजा लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में दो सदनों का होना अहम है। एक सदन लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक, लोकसभा, वहीं दूसरा सदन आपका किसी तरह की भीड़तंत्र वाली मानसिकता को रोकने का काम करता है, जो है राज्यसभा। याद रखिए, जो आपका संसद है इसमें तीन पक्ष होते हैं। एक आपका लोकसभा, दूसरा हिस्सा होता है इसका राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो जो राज्यपाल राष्ट्रपति होता है आपका, इसे आपकी लोकसभा राज्यसभा प्लस विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जो लोकसभा सदस्य होते हैं इन्हें जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है, आप लोग चुनते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इन्हें MLA चुनते हैं, आप जिसे विधायक कहते हैं वो विधायक चुनते हैं। राज्यसभा या फिर राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, भारतीय संसद का दूसरा सदन है, जिसकी स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के आधार पर की गई थी। कब? 1919 के आधार पर। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान लोकसभा और राज्यसभा को कुछ अपवादों को छोड़कर कानून निर्माण की शक्तियों में समान अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। कितनी है? 245। इन 245 सदस्यों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। यह एक आपका स्थायी सदन है। राज्यसभा आपका स्थायी सदन है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के एक तिहाई सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष में किया जाता है। यहाँ सीधे सा मतलब है आपका कि राज्यसभा में अपने आपके कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं? 250। लेकिन अभी वर्तमान में यानी कि 2020 की हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी कितने हैं? 245। ठीक है, 245 में से आपके जो 12 सदस्य होते हैं इन्हें आपका राष्ट्रपति चुनता है, मनोनीत करता है, इन्हें मनोनीत सदस्य बोला जाता है। ये 12 सदस्य किन क्षेत्रों से चुने जाते हैं यानी कि मनोनीत किए जाते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ठीक है,
और बाकी जो सदस्य बचते हैं वो आपके एमएलए यानी कि विधायक चुनते हैं, ठीक है। और राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि ये आपका स्थायी सदस्य है यानी कि इसका विघटन नहीं हो सकता है। जिस तरह आपका लोकसभा का विघटन होता है, इसका विघटन नहीं हो सकता है। इसमें जो सदस्य होते हैं, एक तिहाई सदस्यों को हर दूसरे वर्ष में हटा दिया जाता है यानी कि उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है और नए सदस्य उनकी जगह आ जाते हैं। तो शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हुई थी इसे लाने में, क्योंकि किसका समय काल 2 वर्ष बाद खत्म कर दिया जाए, किनका 4 साल बाद, किनका 6 साल बाद। उसके बाद व्यवस्था आपकी एक बार जमने के बाद अब सुचारू रूप से चलती रहती है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं संविधान सभा में राज्यसभा की पक्ष में तर्क। राज्यसभा के गठन का सबसे अहम पक्ष यह था कि यह सदन राज्यों के पक्ष को मजबूती से रखेगा। यदि लोकसभा द्वारा किसी विधेयक को जल्दीबाजी में पारित किया गया तो राज्यसभा उस पर व्यापक चर्चा करेगा। याद रखिए एक बात हमेशा कि विधेयक जब तक कहलाता है जब तक राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर नहीं हो जाता। जैसे ही विधेयक पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं वो आपका अधिनियम में बदल जाता है, ठीक है। जब तक आपका राज्यसभा और लोकसभा में रहता है विधेयक ही कहलाता रहता है। संसद का उच्च सदन लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्वक पूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। उच्च सदन शिक्षाविदों बुद्धिजीवियों को एक मंच प्रदान करता है जो सरकार की जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्यों के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत के अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक माना जाता है। अगर आपके संसद में एक ही पक्ष होता यानी कि लोकसभा होता तो फिर पास किसी बिल को पास करवाना बहुत आसान होता। जिसकी केंद्र में सरकार होती यानी कि मजबूत सरकार होती, जिनके पास में पक्ष में अच्छे वोट होते, वो कभी भी कोई भी विधेयक लाकर उसे पास करवा सकते थे, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं कि उसे रद्द कर दे। समझ में आए? तो एक बार विचार के लिए लौटा देता राष्ट्रपति, उसके बाद भी अगर दोबारा जाता तो उसे पास करना पड़ता। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए आपका राज्यसभा का गठन किया गया। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के विपक्ष में तर्क क्या है। संविधान सभा में विशेषज्ञों का राज्यसभा के विपक्ष में मुख्य तर्क यह था कि राज्यसभा का गठन ब्रिटेन की साम्राज्यवादी विरासत को स्थापित करेगी, क्योंकि इसका स्वरूप ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्डर्स के समान है था। राज्यसभा के सदस्यों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भांति उद्योगपति धनी लोग होंगे जिनका भारत के लोगों व उनकी परिस्थितियों में से कोई सरोकार नहीं हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जो भी राज्यसभा सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि एमपी का अगर एमपी के लिए अगर राज्यसभा सदस्य चुनना है तो एमपी का ही निवासी होना जरूरी है, या फिर यूपी का कोई सदस्य सीट खाली हुई है तो उसी जिसे चुनाव लड़ना है वो यूपी का ही निवासी, ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है। आप अगर एमपी के हैं तो यूपी से लड़ सकते हैं, यूपी के हैं राजस्थान से कहीं से भी लड़ सकते हैं आप लोग चुनाव, ठीक है। इसमें तो क्या होता है कि आपका राज्यसभा इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि इसमें कोई विशेषज्ञ जाए, राज्यसभा में विशेषज्ञ चुना जाए किसी क्षेत्रों से जो अच्छा काम कर सके वहाँ, ठीक। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो चुनाव हार जाते हैं लोकसभा उन्हें भेज दिया जाता है राज्यसभा के द्वारा संसद में, ठीक है। लेकिन इसका उद्देश्य एक कतई नहीं था, उसका उद्देश्य था सिर्फ कि जैसे आपके विधायक प्रत्यक्ष रूप से जनता से चुने जा रहे हैं, लोकसभा सदस्य भी आपके जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं, तो इसमें कम से कम विशेषज्ञ तो शामिल होना चाहिए। लेकिन अपनी अपनी पार्टियों की इसमें उद्योगपति चले जाते हैं, धनी लोग चले जाते हैं सीटें खरीद कर, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसे में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बने सदन लोकसभा के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यसभा के द्वारा किए गए अनावश्यक विलंब से
देश आर्थिक रूप से पिछड़ सकता है। ठीक है, फिर आपका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संख्यमणीय मत के आधार पर होता है। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संख्यमणीय मत के आधार पर, पद्धति के आधार पर ही किया जाता है। याद तो रखना, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्य विधान मंडल यानी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। जो आपके एमएलए होते हैं, जिन्हें आप लोग विधायक कहते हैं, वही आपके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, बात करते हैं एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत अर्थात एकल मत, मतदाता एक ही मत देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर रैंक देता है, अर्थात और बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पसंद, पहली पसंद कौन है और दूसरी तीसरी पसंद कौन सी है। यहाँ सीधा सा मतलब ये है कि आप को खाने में, आप मान लीजिए आपको क्या खाना पसंद है, फिर आप बोलेंगे कि हमें दूसरे नंबर पर ये मिल जाए, तीसरे नंबर पर ये मिल जाए। तो इसी तरह आपको चुनना पड़ता है कि पहले नंबर पर सबसे ज्यादा आप लोग वरीयता किसे दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए सबसे मनपसंद सब्जी कौन सी है, अगर वो सब्जी नहीं है फिर दूसरे नंबर पर कौन सी है, तीसरे नंबर पर कौन सी है, इस तरह से आपको वरीयता देनी होती है विधायकों को। ठीक है, राज्यसभा सदस्य चुनने के लिए यदि पहली पसंद वाले मतों से विजेता का निर्णय नहीं हो सकता है, यानी कि जब आप लोग यानी कि विधायक पहली पसंद कि जिसे देते हैं, अगर उसका निर्णय विजेता नहीं बनता है, तो उम्मीदवार के खाते में मतदाता की दूसरी पसंद को एक एकल मत की तरह ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसे एकल संक्रमणीय मत कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के सदस्यों की अर्हता, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो यानी कि पागल ना हो। यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करे तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करें, यानी कि अगर आप लोग 30 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, पूरी कर चुके हैं, तो आप लोग राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य शक्तियां और कार्य। विधायी शक्तियां, गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। याद रखिए यहाँ क्या बता रहा है, गैर वित्तीय विधेयक, क्योंकि वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा को कम शक्तियां मिली हुई हैं लोकसभा की विधि। ठीक है, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा कुछ 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। याद रखिए, जो धन विधेयक होते हैं यानी कि वित्त विधेयक होते हैं, इनमें क्या रहता है कि राज्यसभा इनमें संशोधन नहीं कर सकती। राज्यसभा सलाह दे सकती है, लेकिन ये सलाह लोकसभा के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है, या फिर बहुत से बहुत दिन 14 दिन तक अपने पास राज्यसभा इस बिल को रख सकती है। अगर नहीं लौट आती है 14 दिन में तो इसे पास मान लिया जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर ही है। ठीक है, फिर आपका विशिष्ट शक्तियां, देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास दो विशिष्ट अधिकार हैं जो कि लोकसभा के पास नहीं है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले
दो तिहाई सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। याद रखना आर्टिकल 312 के तहत। अगर अन्य शक्तियों की बात हम लोग बात करें, आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। याद रखिए जो उपराष्ट्रपति होता है ये आपका राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन याद रखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया है कि ऐसा कौन सा सदस्य है जो राज्यसभा का सदस्य उस सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी अध्यक्ष होता है। तो जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उस वो आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, याद रखिए इसे। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है तो वो लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा से संबंधित मुद्दों की। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय देश अपने उच्च न्याय सदन में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करके संघवाद के सिद्धांत को भारत की तुलना में अधिक मजबूती से स्थापित करते हैं। भारत में अन्य देशों के विपरीत उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में राज्यों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। परिणाम स्वरूप अधिक जनसंख्या वाले राज्यों से अधिक प्रतिनिधि व कम जनसंख्या वाले राज्यों से कम प्रतिनिधि पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा के लिए आवंटित सीटों की संख्या संयुक्त रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या की तुलना में काफी अधिक है। कई राज्यों के पास एक एक है, कई के पास एक भी नहीं है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के पास आपकी 31 के है। ठीक है, राज्यसभा को दरकिनार करने का प्रयास कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि जैसे आपका धन विधेयक, इसमें राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती। धन विधेयक का रूप देकर साधारण विधेयकों को पारित किया जा रहा है। यह विदित है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को सीमित अधिकार प्राप्त हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्तारूढ़ दल द्वारा संसद के उच्च सदन की बहुत प्रभावकारिता को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब क्या होता है कि लोकसभा में जिसके पास बहुमत होता है, जिसकी सरकार होती है, जब उसे किसी विधेयक को पारित कराना होता है, उसे मालूम रहता है कि राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है, तो वो उसे धन विधेयक का रूप दे देता है। जैसे आधार कार्ड के बारे में आपने आधार विधेयक के बारे में देखा था। ठीक है, तो उसके बाद आपका राज्यसभा की जरूरत कम ही पड़ती है तो पास हो जाता है। राज्यसभा को इस तरह से दरकिनार करने का कारण सत्तारूढ़ दल का इस सदन में बहुमत ना होना है। इसे हाल ही में आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित कराने को लेकर देखा जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा की संघीय विशेषताओं में परिवर्तन। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 3 से अधिवास शब्द हटा दिया। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो किसी राज्य का ना तो निवासी है ना ही उसका अधिवास है, वह व्यक्ति भी उस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई उत्तर प्रदेश का सदस्य पूर्वी राज्य में चला जाए, असम अरुणाचल प्रदेश में चला जाए, अब उसे वहां की स्थिति का मालूम ही नहीं है, वो कैसे प्रतिनिधित्व कर पाएगा उस राज्य का? तो इसमें एक ये भी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, इस संशोधन के बाद राज्यसभा की सीटों का उपयोग सत्तारूढ़ दल द्वारा लोकसभा में अपने पराजित
उम्मीदवारों को राज्यसभा में चुने जाने के लिए किया जा रहा है। आपने देखा होगा अरुण जेटली पिछली बार, उसके बाद आपकी स्मृति ईरानी साहब, हारने के बाद, चुनाव हारने के बाद भी उन्हें राज्यसभा से भेजकर मंत्री, कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया था। ठीक है, इसी तरह से आपका होता रहता है, जो भी सत्ता में रहता है वो इस तरह की चालें चलता रहता है। अब आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह एमपी में भोपाल से चुनाव लड़े, वो हार गए। अब लेकिन अभी चुनाव हो रहे हैं 2020 में, जो राज्यसभा के लिए, उसमें उनका ना चुना जाएंगे वो, और राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा ना कि जनता ने उन्हें चुना है या नहीं चुना है, वो संसद में जाएंगे, वहां बैठेंगे। ठीक है, मनोनीत सदस्यों की न्यून भागीदारी, राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में कुछ विशिष्ट हस्तियों का मनोनयन उनके प्रशंसकों की संख्या को देखकर किया जाता है, ताकि उन प्रशंसकों को वोट बैंक में परिवर्तित किया जा सके। ऐसे सदस्य एक बार नामांकित होने के बाद सदन के कामकाज में शायद ही कभी भाग लेते हैं। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2012 में मनोनीत किया गया था। उनके मनोनयन के बाद कार्यकाल पूरा होने तक सदन 374 दिनों तक विचालन में रहा, लेकिन सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति मात्र 24 दिनों की रही। अब इस तरह के सदस्यों को चुनकर मनोनीत कर क्या फायदा? सदन चला आपका 374 दिन, लेकिन उसमें सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति मात्र 24 दिन रही। समझ में आया? तो इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? राज्यसभा के संघीय चरित्र को संरक्षित करने के लिए एक उपाय यह हो सकता है कि राज्यसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से किसी राज्य के नागरिकों द्वारा ही चुने जाएं। इससे क्रोनी कैपिटलिज्म यानी कि धन बल के माध्यम से नीतियों को प्रभावित करना व राजनीतिक तुष्टिकरण पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधित्व को सक्षम करने हेतु एक संघीय व्यवस्था तैयार की जा सकती है, ताकि बड़े राज्य सदन में अपने संख्या बल के आधार पर नीतियों को प्रभावित ना कर सकें। सदन में चर्चा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मनोनयन की बेहतर प्रक्रिया की आवश्यकता है। ठीक है, निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है लास्ट में? भारतीय राजनीति में उतार चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। इसके अलावा लोकसभा के साथ यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य जैसे मूल्यों का ध्वज वाहक भी है। इस प्रकार लोकसभा को लोकतंत्र की विघटनकारी शाखा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखने के लिए राज्यसभा को सक्षम बनाने का प्रयास किए जाने चाहिए। तो ये थी आपकी राज्यसभा की प्रक्रिया। अगर कोई सवाल बचा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है, उसका भी जवाब दे दूंगा। ठीक है।